welcome to your online class from Maharaja Aksan Public School. Today we will do revision chapter 5, the food we eat. Our topic, fertilizer. Topic number 1, fertilizer. To make the soil fertilize, fertilizer are apt to be. Fertilizers that are made from the plant and animals waste are called natural fertilizer. Example, compost. देखिए बेटा, fertilizer कहते हैं खाद को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और फसल की अधिक पैदावार करने के लिए सभी जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो मिट्टी में क्या मिलाते हैं? फर्टिलाइजर, खाद मिलाकर या मिट्टी में खाद डालकर पौधों फसल को उगाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े और फसलें अच्छी हों। ये जो फर्टिलाइजर है, ये कैसे बनती है बच्चों? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके गले सड़ने से, बहुत टाइम से पुराने जो पेड़ पौधे होते हैं वो गल सड़ कर गिर जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, और जो एनिमल होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, उनके गलने सड़ने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उनके गलने, उनके उनके वेस्ट मटेरियल से, मीन्स समझते हो ना, वेस्ट मटेरियल हमारा भी, ह्यूमन बींग्स का भी और एनिमल्स का भी। वेस्ट मटेरियल एनिमल्स का, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इट इज़ वेस्ट मटेरियल। ओके, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के वेस्ट मटेरियल से और प्लांट पौधों के जो गले सड़ने से जो मटेरियल तैयार होता है उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, और इसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। बेटा ये तो होती है हमारी जो हम खुद अपने आप बनाते हैं, नेचुरल होती है। और इसके बाद नेचुरल दैट आर मेड द बाय ह्यूमन बींग्स एंड वन कंपोस्ट जो होती है आर्टिफिशियल होती है, इसको हम कहते हैं जो फर्टिलाइजर प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम कंपोस्ट फर्टिलाइजर कहते हैं। और एक और होती है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होती है जो मनुष्य के रासायनिक खादों के द्वारा बनाई जाती है। फर्टिलाइजर दैट आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स फैक्ट्रीज, फ्रॉम केमिकल्स आर खाद, जो केमिकल के द्वारा बनाई जाती है, जैसे यूरिया खाद, ये क्या है? आर्टिफिशियल है ना। इस तरीके की और भी हैं जी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेस्टिसाइड्स। वो होता है बेटा जो पेस्टिसाइड्स आर केमिकल स्प्रे ऑन द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट्स। ये इस तरीके का एक स्प्रे होता है, एक इस तरीके की दवाई होती है, इस तरीके का केमिकल होता है जो पेड़ पौधों पर जो हानिकारक कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, ये जो पेड़ पौधों पर छिड़कने से उनके जो कीट वगैरह नहीं लगते और फसलें आराम से हो जाती हैं। फसलों को कीट हानिकारक कीटों से बचाने के लिए पेस्टिस है, मतलब ये स्प्रे, केमिकल जो स्प्रे है पेस्टिसाइड्स, इसको किया जाता है और हमारी फसलें अच्छी होती हैं। सम ऑफ द गुड पेस्टिस आर डीडीटी एंड मालाथियंस। और ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जिसको हम डीडीटी पाउडर, आप देखते हो कई बार, ये तो डीडीटी पाउडर हमारे घरों में ही मिलता है, कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हो जाते हैं या बरसात के मौसम में मच्छर और घर के आसपास नाले के आसपास डाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स क्या है बच्चों? डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन बाय द पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार का भोजन खाया जाता है। एंड द वर्ल्ड फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स सच एज द रीजन वेयर दे स्टे। और ये संसार में जो लोग जहाँ रहते हैं उनके वहाँ के वातावरण के अनुसार ही वहाँ का भोजन निश्चित किया जाता है। टाइप ऑफ द बिलीफ्स, कस्टम्स, रिलीजन्स एंड कल्चर्स। जिस तरीके से
मैं आप तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि फूड हैबिट्स क्या है। आप ये देखिए, हम जो समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनका भोजन क्या होता है, फिश, क्योंकि वहाँ पर फिश अधिक होती है। जो साउथ इंडिया में है वहाँ क्या उनका भोजन क्या होता है, फिश एंड राइस से बनी हुई अनेक चीज़ें, इडली है, सांभर, क्यों वहाँ पर चावल ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हमारे देश में जो एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, इनमें क्या है, गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी। राजस्थान में बाजरा ज़्यादा होता है तो वहाँ बाजरे की रोटी होती है, यहाँ पर गेहूँ की और मक्के की ज़्यादा होती है। पंजाब में भी मक्का ज़्यादा होता है तो वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग ज़्यादा फेमस है। जो जहाँ का एरिया रहता है, अवेलेबल होता है, जो जहाँ रहता है वहाँ की रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का भोजन होता है। तो बच्चों समझ आया आपको, आज सिर्फ मैं इतना ही कराऊंगी फूड हैबिट्स का। ये मैं पहले भी आपको रीड करा चुकी हूँ, मैं दोबारा रीड करा रही हूँ, साथ साथ आपका एक बात और कहूँगी कि डिफिकल्ट वर्ड याद करते रहें, और इसके साथ डिफिकल्ट वर्ड की स्पेलिंग मास्टर है, वो आपके आने वाले फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होंगी। कहीं पर भी कोई भी काम करोगे आप, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है और जनरल नॉलेज है, आप काम आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।